गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग देने वाले लोगों के सम्मान समारोह का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में किया गया, जिसमें महोत्सव समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एसपी सिटी सोनम कुमार, एएसपी शशांक सिंह, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न समितियों के सदस्यों, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर ऊषा सिंह, प्रोफेसर राजवंत राव सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आयोजकों द्वारा महोत्सव समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गोरखपुर महोत्सव के आयोजन से जुड़े लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन गोरखपुर के जनमानस के लिए है। हम लोग मात्र एक माध्यम है, इसलिए यह सभी सम्मान जनता को समर्पित है। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव समानता, स्वावलंबन, स्वच्छता का संदेश देता है। मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में गोरखपुर महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि महोत्सव के इस सफल आयोजन के में मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने अपनी सकारात्मक भूमिका से इस महोत्सव को सफल बनाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, उसको प्रारंभ करने के वक्त आप लोगों की नजरों में भी लगभग सफल रहा। यह बात महोत्सव समिति की ओर से आपका उतना सम्मान जो अपेक्षित सम्मान है हो सकता है हम लोग ना कर पाएंगे। स्मृति चिन्ह देते हैं और आयोजन किया गया है, तो मैं सबसे अनुरोध है इस पर सहयोग करें। पीएल शर्मा साहब, आनंद कुमार सिंह डीएसओ का, महादेव प्रसाद यानी अधिकारी, अमित प्रकाश सिंह, अनिल सिंह, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड राजेश सिंह, नितिन आकाश गुप्ता को मैंने सम्मानित किया जिन्होंने ऑनलाइन पे मुदस्सिर जी, और शिवम कुमार हैं, संजय तिवारी वीजा के आ गए हैं। इस में डीसी जीडीएस साहब का डॉक्टर रजवंत राव साहब, प्रशांत मनीष श्रीवास्तव, महोत्सव के टीम के बंदे सम्मिलित कर दिया। सभी का हम स्वागत करते हैं। परंपरा ये है कि जब गोरखपुर महोत्सव पूर्ण हो जाता है उसके बाद हमें ये धन्यवाद ज्ञापित करने का माध्यम है, और इसमें हम लोग एक माध्यम है जिससे इस महोत्सव का आयोजन में जिन जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इस बार महोत्सव विशिष्ट रहा, विशिष्ट इसलिए रहा कि पहले ये निर्णय लिया गया था कि हम इसको थोड़ा देर से करेंगे, लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में इसको उन्हीं विधियों में किया गया, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में किया गया। और इसलिए इस मंच के माध्यम से हमें सबसे पहले धन्यवाद यदि देना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देना होगा, इनकी वजह से ये महोत्सव। और फिर
सीक्रेसी का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके अधीन मैं आता हूँ, उसका शायद वायलेशन भी हो, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को समझा दिया करना है उसका, मैं थोड़ा सा वायलेशन करते हुए ये भी बताऊंगा, महोत्सव की हर छोटी से छोटी चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बारीकी से देखा और अपना मार्गदर्शन दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि महोत्सव के बैकड्रॉप, ये ऐसी चीजें ओपनली में नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और निरीक्षण मॉनिटरिंग है कितनी क्लोज होती है। मुझे लगता है कम से कम उन्होंने 15 से 20 बैकड्रॉप वापस किए और हमें 10 दिन लगा लास्ट बैकड्रॉप जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी देखना चाहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़े सोने की मुखिया यदि बैकड्रॉप जैसी चीज को 15 बार देखते हैं और उसको बताते हैं और उसमें हर एक बिंदु पर मुझे फोन से निर्देशित करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महोत्सव की गरिमा क्या है, इस महोत्सव का महत्व क्या है। और गोरखपुर महोत्सव उत्तर प्रदेश के सभी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कहाँ स्टैंड है। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा गोरखपुर के जनमानस, मैंने भी ये नहीं सोचा था क्योंकि हमने परंपरा से अलग हटके उसका महोत्सव का स्तर चेंज किया। और आप जानते हैं कि कोविड संक्रमण के समय में यदि महोत्सव का स्तर चेंज किया जाता है तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है महोत्सव समिति के लिए, और फिर भी हमने वो किया और वो हमने किया और जनमानस ने उसको जैसे सराहा आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे द्वितीय दिवस में इतने ज्यादा फोन आए हैं सबको एक ही कम से कम सांस्कृतिक कार्यक्रम को और एक्सटेंड करें। सो मैं गोरखपुर के जनमानस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमने जो परिवर्तन किए जिसके कई कारण और जो परिवर्तन किए उसको उन्होंने सराहा और उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने गोरखपुर की जनता ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जो भी निर्देश दिए जाते थे हम थोड़ा सा कड़ाई से भी बोलते थे उसको भी उन्होंने सहजता से दिया, इसके लिए भी हम गोरखपुर जनमानस को धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है ये महोत्सव गोरखपुर के जनमानस के द्वारा गोरखपुर के जनमानस के लिए वही करते हैं और वही उन्हीं के लिए है, हम मात्र निमित्त हैं। गोरखपुर महोत्सव समिति और इससे जुड़े हुए जितने अधिकारीगण हैं हम सभी निमित्त हैं। तो हमने स्मृति चिन्ह दिया जरूर है पर ये सारे स्मृति चिन्ह महोत्सव समिति और महोत्सव समिति अध्यक्ष के रूप में मैं गोरखपुर जनमानस को समर्पित करता हूँ। और ये और हमने भी प्रयास किया क्योंकि हमें एक महीने से कम का समय मिला था लेकिन महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने रुपया जिलाधिकारी गोरखपुर ADMFR राजेश गौरव SDM सदर RTO पर्यटन सभी ने छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान दिया हो। यदि आपके हाथ के स्मृति चिन्ह हो तो आप उसको पलट के देखें और आप पाएंगे कि चांदी का सिक्का क्योंकि हमारी संस्कृति में चांदी का एक सेक्रेटनेस का एक कायस का एक सैक्रोसेंट महत्व है, उस पर हमने गोरखपुर महोत्सव को अंकित किया है, गोरखनाथ धाम को अंकित किया है। और इस अंकण ये अंकन जो है ये जो अंकन किया गया है ये इतिहास के पन्नों में जाएगा, इसलिए हमने इस बार स्मृति चिन्ह को परिवर्तित किया है पिछली बार के स्मृति चिन्हों से। सो महोत्सव समिति का प्रयास रहा है कि छोटी सी छोटी चीजों को हम और ध्यान दें, समानता पर हमने जोर देने का और कोशिश किया। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों ने कुर्सियां इस साइज से लगाई थी और मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें और काम करना पड़ेगा, सारे स्मृति चिन्ह एक ही साइज के होने चाहिए जिससे कि किसी को ये नहीं लगे तो हमें लगता है कि महोत्सव समिति को इसको देखने की आवश्यकता है। महोत्सव समानता का, महोत्सव स्वावलंबन का, महोत्सव स्वच्छता का, न्याय का, ये संदेश गोरखपुर महोत्सव देता है। मुझे भी लगता है कि उत्तर प्रदेश को और इस महोत्सव में जो भी त्रुटियां हुई है वो उसका कारण मैं खुद हो सकता हूँ क्योंकि सारे मार्गदर्शन मेरी तरफ से ये लोग देते थे और जो भी इसमें अच्छा हुआ है दो दिवसीय में वो मैं महोत्सव समिति के पदाधिकारियों को और यहाँ के जनमानस को समर्पित करता हूँ। और प्रदेश में काम करने का मौका मिला
लेकिन मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि गोरखपुर मीडिया इतनी सकारात्मक होती है, यदि उनको ये भी कहना होता है कि परिश्रम की नज़र इधर नहीं पड़ी है या कोई त्रुटि हो रही है, वो इस तरह से लिखते हैं कि जब मैं उसके पेपर पढ़ता हूँ या देखता हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूँ, तो मेरी तरफ नज़र उतर जाती है कि हाँ ये भी हम लोग से छोटी भूल हो। मैं भी एक इंसान हूँ, हमारी मौसम की पढ़ाई करने का भी इंसान है, त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है, लेकिन त्रुटियाँ को देख के स्वीकार करना और स्वीकार करके उसका करेक्टिव लेटर टाइम भी लेना, ये एक अच्छे अधिकारी का गोल होता है, वो हम प्रयासरत हैं। महोत्सव के लिए भी हमने ये किया और विद्या विभाग में भी हम करेंगे। अंत में आशा है कि हम 2022 में एक और अच्छा महोत्सव दे पाएंगे। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जो प्रयास हुआ वो सराहनीय है। जिलाधिकारी महोदय सांस्कृतिक समिति के भी अध्यक्ष हैं, वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, लगता है कहीं पर बिजी हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, हर स्टेप पर उन्होंने ध्यान दिया, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार हमने नोडल दो रखे थे, एडीएम एफआर साहब थे और गौरव थे, तो हमने यूथ और एक अनुभव दोनों को मिलाने का सोचा था, मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास रहा है। इस महोत्सव में कई अभिनव प्रयास हुए और इसमें सबसे पहला तो ये रहा कि हम लोगों ने बहुत कम समय में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हमने किया और मुझे लगता है जनता ने इसको भरपूर सराहा है। कई नई चीज़ें करने का प्रयास किया गया, जैसे कि जो महोत्सव स्थल है उसको हमने परिवर्तित करके रामगढ़ ताल हम लोग लाए और उसका उद्देश्य ये था कि रामगढ़ ताल परिक्षेत्र में जो भी कार्य हुआ है और जो पर्यटन की दृष्टि से कुछ उत्कृष्ट चीज़ें हो रही हैं उसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करें लोगों को। उसके अलावा हमें लगता है ऑनलाइन आईईसी या ऑनलाइन महोत्सव के बारे में इंफॉर्मेशन देने में हमने काफ़ी प्रयास किया और मुझे लगता है, मुझे बताया गया है कि लगभग 70-80 लाख लोगों ने इसको ऑनलाइन भी देखा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं मीडिया की टीम को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। इसके अलावा जो भी हमारे सेमिनार हुए, ज्ञानार्जन के लिए जो एक्टिविटी हुई, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी रही और स्पेशली उन चीज़ों पर जिन पर शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, वो चाहे गोवंश का, गोपालकों का आत्मनिर्भर है, वो चाहे स्वास्थ्य में प्रिवेंटिव केयर का रोल है, वो चाहे बाबा गोरखनाथ का दर्शन है, उसका प्रचार प्रसार है, ये इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने जो रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर को हब बनाने का, इन चीज़ों पर जो सेमिनार हुए और उन्होंने जो उसकी रिकमेंडेशंस दी हैं, मुझे लगता है उसका भी बहुत लाभ होगा। और फाइनली मुझे लगता है जितनी भारी संख्या में गोरखपुर महोत्सव में लोग आए, उससे हमें एक और प्रेरणा मिलती है कि गोरखपुर महोत्सव 2022 हम और अच्छा करें और विशाल रूप में करें। आशा करते हैं कोविड संक्रमण से हम लोग सबको मुक्त करके सफलतापूर्वक 2022 में हम गोरखपुर महोत्सव का आयोजन और भव्य और गरिमामयी और ज्ञानमयी कर पाएंगे। धन्यवाद।